हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनर ब्रेन वेलकम टू आर चैनल एंड वेलकम टू दिस क्लास सो लेट्स स्टार्ट आज मैंने आपको पीछे एक हेडिंग दी है जिसके सामने में एक रिविज़न लिखा हुआ है इस स्लाइड को बनाने का ऐसे ये हेडिंग देने का कारण ये है कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका मैं आपको एक क्विक रिविजन देना चाहती हूँ क्योंकि वो प्रोसेस आपके लिए पूरा नया था एंड मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं भी टेंथ क्लास में थी तो मुझे ये सब समझ पाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी तो आपकी मदद के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि आपको ये और सॉलिड हो जाए सो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन ठीक है ये मैंने आपको बताया था ठीक नेफ्रॉन का पहला पार्ट है मेलपीजियन बॉडी ये आपको भी समझ में आ गया था मैं आपको समझा रही हूँ तो पहला पार्ट इज़ द मेलपीजियन बॉडी मेलपीजियन बॉडी क्या होती है मेलपीजियन बॉडी होती है ध्यान से समझिए ये मैं आपको समझा चुकी हूँ मेलपीजियन बॉडी होती है आपकी ग्लो मेरुलस इट इज़ अ बंच ऑफ द कैपिलरीज ग्लो मैरुलस प्लस बोमन कैप्स्यूल इनको आप कहते हैं क्या इनको आप कहते हैं मेलपीजियन बॉडी ठीक ये समझ में आ गया आपको नाउ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन या पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स कह सकते हैं पहला पार्ट है पीसीटी दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले और तीसरा पार्ट है डीसीटी और चौथा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट ठीक है ये समझ में आया आपको हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टिब्यूल इन द टिब्यूल एलो लूप ऑफ ट्रिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ठीक है प्रीवियस वीडियो में सब रिविजन है ओके okay? उसके बाद अगर मैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं ठीक है अगर मैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन तो क्या होता है प्रोसेस देखिए यूरिन फॉर्मेशन का क्या है ओके okay, ध्यान से समझिए पहला है अल्ट्रा अल्ट्राफिल्टरेशन ठीक है अल्ट्रा अल्ट्राफिल्टरेशन ठीक है दूसरा है टिब्यूलर रीऑब्जॉपन या सीधे मैं लिख देती हूँ रीऐब्जॉर्प्शन ठीक है री ऐब्जॉर्प्शन रीऐब्जॉर्प्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ री एब्जॉर्प्शन में किसी भी चीज़ को आप री एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि आप पी में क्या री ऐब्जॉर्ब कर सकते हैं पी में अराउंड सेवेंटी टू एट्टी परसेंट री एब्जॉर्प्शन होता है सेवेंटी टू एट्टी परसेंट किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है सेवेंटी टू एट्टी परसेंट री होता है सॉल्ट्स का पानी का अमाइनो एसिड्स का ए डॉट ए मतलब अमाइनो एसिड्स और आपके सॉल्ट अमाइनो एसिड और शुगर्स इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एल ओ एच मतलब लूप ऑफ हेनले में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है तो लूप ऑफ हेनले में होता है एन ए सी एल और वाटर का उसके बाद में बात करूँ कि डी में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है तो एन और वाटर सेम चीज़ का उसके बाद मैं बात करूं कि कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है तो कलेक्टिंग डक्ट में पानी का एबजॉप्शन होता है तो ये री एब्जॉर्प्शन कि किस पार्ट से पीसीटी में क्या हुआ एलओएच में क्या हुआ डीसीटी में क्या हुआ कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ थर्ड पार्ट जो था वो था सिक्रीशन थर्ड पार्ट क्या था सिक्रीशन या जिस को आप कहते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन जिसमें जो भी आपको नहीं चाहिए था जो भी ट्यूब में फिल्टर होकर जो भी आपके एफरेंट आटेरियल में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जब वो आ गई थी आ, अगर उसमें गलती से कुछ बुरा आ गया तो वापस से आप उसे नेफ्रॉन को दे सकते हैं ठीक है सो वी हैव थ्री स्टेप्स इन द यूरिन फॉर्मेशन पहले अच्छे से फिल्टर करो गलती से अच्छा कुछ आ गया है तो उसको आसपास की ब्लड वेसल्स को दे दो

जो भी चीज़ तुमने बनाई द कलेक्टिंग डक्ट ओके द कलेक्टिंग डक्ट ऑल द कलेक्टिंग डक्ट जितनी भी होती है द ग्लो मर फिल्टरेट एंटरिंग इन टू द कलेक्टिंग डक्ट दिस इज कॉल्ड एज यूरिन देन दॉट इज द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट इज द कनेक्शन ऑफ सो मेनी डी सी टीज मैंने आपको बताया था बहुत सारी डी सी टी का कनेक्शन क्या होता है बच्चों कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ी होती है तो ये कलेक्टिंग डट इतना यूरिन बनाई वो कलेक्टिंग डक इतना यूरिन बनाई वो कलेक्टिंग डट इतना यूरिन बनाई अल्टीमेटली पूरा यूरिन एक कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है उसके बाद हमेशा ये याद रखिए कि जितना तुमने फिल्टरेट किया जितना तुमने फिल्टर किया था तो नेफ्रॉन में जितना फिल्टरेट बना था हमेशा उतना अमाउंट आप बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में तो आपने पानी वानी सब एब्जॉर्ब कर लिया ना हम सिर्फ उतना ही यूरिन बाहर निकालते हैं जितना यूरिया को बाहर निकालने के लिए होता है ठीक है आप एक दिन में करीब 180 लीटर यूरिन बनाते हैं और बाहर कितना करते हैं सिर्फ वन टू एट और वन टू एट तो बहुत बता दिया मैंने एक से डेढ़ लीटर मैक्स मैक्स टू ठीक है तो आप एक, एक दिन में लीटर यूरिन बनाते हैं पर एक लीटर में आप डेढ़ लीटर यूरिन जो है वो बाहर निकालते हैं बाकी 178 लीटर कहाँ गया 178.5 लीटर से गया ये सब री हो गया तो सोचो किडनी की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है कि 180 लीटर यूरिन बनाने के बाद भी वो सारा पानी करके, करके, को देती जाती है और गलती से कुछ चला गया तो को दे सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट में भर जाता है उसके बाद वो सारा यूरेटर में जाता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिर बाहर हो जाता है यूरिनरी और उसके बाद जब हम उसे बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को मिक्सुरशन भी कहते हैं ठीक है ऑन एन एवरेज इतना आउटपुट है वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर एट लीटर बहुत ज्यादा है ठीक है मतलब ये मैक्स टू मैक्स बहुत ही ज्यादा कोई पानी पीता होगा तो उतना निकाल सकता है यूरिया में यूरिन में करीब नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर है फाइव परसेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है और जिसमें सबसे ज्यादा है यूरिया और डेढ़ लीटर यूरिया डेढ़ लीटर पानी निकालते हैं जो कि बहुत कम है वन हंड्रेड एट्टी में सिर्फ आप डेढ़ लीटर निकाले पर वन डेढ़ लीटर भी बहुत ज्यादा है अगर आप यूरिक एसिड निकालते ना तो बिल्कुल नहीं निकालते एक आध एम एल निकालते तो पानी कम न ज्यादा ये है यूरिया का वादा

ओके देन द यूररी ब्लैडर गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमूव द यूरिन फ्रामिथ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन एंड द प्रोसेस ऑफ यूरिन रिमूवल इज कॉल्ड एज मिक्च्यूरेशन और यूरिनेशन ओके नाओ ये तो बहुत बढ़िया काम है मैडम हाँ बहुत अच्छा काम है बहुत अच्छा काम है पर मान लो कि कोई आदमी जो है बेचारे की किडनी डैमेज हो गई ओके okay? कोई इंसान जो है डैमेज हो गई बहुत शराब पीता है ठीक है बहुत शराब पीता है तो किडनी बहुत ज़्यादा काम करती है बहुत ज़्यादा काम करती बहुत ज़्यादा फिल्टर करती थक जाती है बेचारी किडनी तो खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी सब गंदी पंदी चीज़ें खाते हैं बर्गर खाते हैं पिज्ज़ा खाते हैं इससे भी किडनी ख़राब होती है तो इन सब चीज़ों से किडनी पे लोड बढ़ता है क्योंकि किडनी ज़्यादा काम करती है और ज़्यादा किसी से भी काम करवाओगे ना तो बेचारा वो डैमेज हो जाएगा तुम भी ज़्यादा पढ़ लेते हो तो थक जाते हो ना सेम विद द किडनी ऑल्सो तो किडनी में जब आप ज़्यादा चीज़ों को फिल्टर करते हैं बेटा तो वो काम फिल्टर करते 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 थक जाती है और एक समय ऐसा आता है कि किडनी डैमेज हो जाती है और डैमेज हो जाती है तो पहले एक हो जाती है फिर दूसरे के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो बेचारी दूसरी भी डैमेज हो जाती है तो ऐसे इंसान को मरने नहीं देना है तो उसके लिए हम लोग उसका ब्लड प्योरीफाई करते हैं पर उसके लिए तुम्हें किडनी की ज़रूरत नहीं होती हम आर्टिफिशियली उसका ब्लड प्यूरीफाई करते हैं और इस प्रोसेस को आप कहते हैं हीमोडायलिसिस सो लेट्स टॉक अबाउट द देखिए क्या है कभी कोई इंफेक्शन हो गया किडनी में किसी प्रकार की इंजरी हो गई है ब्लड ब्लड नहीं जा पा रहा है नॉर्मल एक्टिविटी किडनी की खराब हो गई है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में कंटिन्यूसली कलेक्ट होते जाते हैं कलेक्शन की वजह से किडनी पे लोड बढ़ जाता है और किडनी डैमेज हो जाती है कारण एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं किडनी के डैमेज होने के लिए आपको एक आध भी पता चल गए तो भी ठीक है बस किसी भी कार्डोवर्स किडनी डैमेज हो जाए तो उस किडनी का फिर कोई काम नहीं बचता क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था किडनी किडनीज डैमेज ना तो उसका रिपेयर नहीं हो सकता ठीक है उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है पर उसका रिपेयर नहीं हो सकता नई किडनी लगा सकते हो किसी और की ले सकते हो पर वैसा अगर आप सोचो कि नेफ्रॉन चेंज कर दे तो ऐसा नहीं होगा ठीक है सो किडनी फेल हो जाती है और इट कैन बी मैनेज बाय द आर्टिफिशियल किडनी जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किडनी डैमेज हो गई तो आर्टिफिशियल किडनी लगा दो आर्टिफिशियल किडनी जो है आ, वो वैसा ही काम करेगी जैसा नॉर्मल किडनी करती है पर बात यह है कि जिससे आप ले रहे हो ना वो आपका सिबलिंग होना चाहिए बिल्कुल आसपास के होना चाहिए या पता किसी और का लगा लिए तो थोड़े दिन बाद मर गए बॉडी ने बोला कि ये तो हमारी है ही नहीं रिजेक्ट कर दो इसको तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी की किडनी लेने से पहले भी ध्यान रखो कि किसकी ले रहे हो ठीक है ऐसा नहीं कि जो है तो अमेरिका के किसी आदमी की ले ली पता चला लगा लिया एक साल बाद मर गए बाद में पता चला कि किडनी रिजेक्ट हो गई बॉडी ने बोला हमारी नहीं थी हमको नहीं चाहिए तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए अगर आपको आर्टिफिशियल किडनी नहीं मतलब आपको नॉर्मली किडनी किसी और की नहीं लगानी है तो हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसको आप कहते हैं डायलिसिस डायलिसिस में आप अपना ब्लड प्यूरीफाई कर सकते हैं प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ चलो देखिए आ जाइए डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी ये चीजें ये एक पूरा जो है तो मैंने एक डायग्राम बनाया है ये डायग्राम देख के आपको एनसीआरटी की याद आ रही होगी तो एक्चुअली ये एनसीआरटी का ही डायग्राम है मैं इससे ही आपको समझाती हूँ देखो यहां पर जो आपको आर्टरी दिखाई दे रही है जो ब्रैकिअल आर्टरी है इट इज कॉल्ड एज ब्रैकियल आर्टरी अब मैंने आपको बताया था कि किडनी जो है वो पूरा ब्लड जो है किडनी में किससे आता है आर्टरी किडनी तो में हम लोगों ने क्या किया बेटा कि हाथ की यहां से ब्रैकअल आर्टरी से पूरा ब्लड निकाला पूरा ब्लड निकाला और पूरा ब्लड हमने एक ट्यूब में बाहर निकाला ध्यान समझना हमने यहां से पूरा ब्लड बाहर निकाला इस पूरे ब्लड को हमने जिस ट्यूब में बाहर निकाला वो है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब हमने पूरा आर्टरी का ब्लड यहाँ से निकाला यहाँ से निकाला इस ये जिस ट्यूब में बाहर निकाला वो ट्यूब बनी हुई है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सेमी परमीएबल या सेलेक्टिवली फर्मिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ चीजें आप बाहर कर सकते हैं और कुछ चीजें अंदर ले सकते हैं ये सारी ट्यूब एक चैम्बर में भरी हुई रहती जितनी ट्यूब है देखो देखो यहां से देखो 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 ये पूरी ट्यूब जो है इनकी ब्रांचेस एक चैम्बर में भरी हुई रखी रहती हैं इसको आप कहते हैं डायलिसिस चैम्बर क्या कहते हैं डायलिसिस चैम्बर यहाँ से आपने ब्लड निकाला और इस ट्यूब को जिसमें ब्लड बह रहा है उसे एक चैम्बर में भर दिया उस चैम्बर में एक सल्यूशन भरा हुआ है जिसे आप डायलाइजिंग सल्यूशन कहते हैं ये देखिए इस चैम्बर में एक सोल्यूशन भरा हुआ है जिसे हम डायलाइजिंग सल्यूशन कहते हैं इस सल्यूशन में वो सारी अच्छी चीजें होंगी जो मे बी आपके ब्लड में ना हो अब जितनी भी खराब खराब चीजें हैं वो सब जो है आपकी ये सिलेक्टिवली ट्यूब जो है ट्यूब है वो किसको दे देगी डायलाइजिंग सोल्यूशन को और डायलाइजिंग सोलूशन में जो अच्छी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो वापस से उसे ले लेगी इट इज कॉल्ड एज री ठीक है पर री इट इज नॉर्मल कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ओके उसके बाद उसके बाद आपका ब्लड जो है इंप्योरिटीज बाहर आ गई अब इस ट्यूब को आपको बाहर निकालना है और इसे कनेक्ट करना है आपकी वेन से अब आपका ब्लड जितना प्यूरिफाई था जिससे गंदगी निकल चुकी है वो वेन के माध्यम से हार्ट की ओर चला जाएगा तो यहां पर आपने किडनी को बाईपास कर दिया जो किडनी का काम था वो एक्चुअली डायलाइजिंग चैंबर का, का काम हो गया आपने आपनेटरी से पूरे ब्लड को निकाला जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भरी हुई हैं किसमें निकाला सेमी है, में। इन से कुछ भी जो है थोड़ी बहुत चीजें बाहर जा सकती थोड़ी बहुत चीजें अंदर आ आ, 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 सकती है। इस पूरी ट्यूब को आपने एक चैम्बर में भर दिया चैम्बर जिसमें डायलाइजिंग सल्यूशन पानी भरा हुआ है उस पानी में वो सब अच्छी चीजें हैं जो ब्लड के लिए जरूरी हैं तो गंदी गंदी चीजें हैं जो वो डिफ्यूजन के माध्यम से डायलाइजिंग सल्यूशन में आ गई और जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो वापस से ब्लड में आ गई अब क्या करोगे कि उस पूरे जो ब्लड जो आपका प्योरीफाई हो गया है क्योंकि इंप्योरिटीज आपने डायलाइजिंग सोल्यूशन को दे दी वो सारा जो ब्लड है वो आप वेन से कनेक्ट करोगे और वेन के माध्यम से फिर वो हार्ट की ओर चला जाएगा आपने किसको बाईपास कर दिया किडनी को फिल्टर का कोई टेंशन नहीं सोल्यूशन से एक्सचेंज कर लिया अब आप देखिए तो ये लिखा यही है कि लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप यहां से पंप करके आप ट्यूब मेडअप ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पूरी ट्यूब को आपने डायलाइजिंग सोल्यूशन में भर दिया

आर्टरी से ब्लड को निकाला यहाँ पर एक पंप लगाया प्रेशर से पूरा जो ब्लड था ठीक है पूरा जो ब्लड था वो डायलाइजिंग चैम्बर में आ गया डायलाइजिंग चैम्बर में वो सारी ट्यूब भरी हुई है जिसमें ब्लड बह रहा है चैम्बर में हमने अच्छी अच्छी देखो चैम्बर में आ रहा है ब्लड अब हमने अच्छी अच्छी चीजों को क्या किया ब्लड को दिया बुरी बुरी चीजों को निकाल लिया इवन ऑक्सीजन भी निकल गया तो ब्लड देखो जब आएगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा ब्लू हुआ अब ये ब्लू वाला ब्लड जो है इसको हमने फिर वहां पे प्रेशर मॉनिटर करना है प्रेशर हमेशा कम होना चाहिए क्योंकि हम आर्टरी में जब आ रहे थे तो प्रेशर मॉनिटर हमको लगा हमने दोनों साइड प्रेशर मॉनिटर लगाना है तो जब ब्लड आएगा तो भी प्रेशर मेंटेन करिए उसके बाद यहां पर ब्लड पंप मतलब पंप करके हमने इसको डायलाइजिंग चैम्बर में भेज दिया डायलाइजिंग चैम्बर में डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा हुआ है एक्सचेंज होगा जो गंदी चीजें हैं वो सब डायलिजिंग चैंबर में चली जाएंगी और ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन के माध्यम से निकल जाएगा अब आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड से क्या हो गया है डी आप देखो जब ब्लड आया तो वो रेड था पर जब यहां पर आएगा तो ब्लू हो जाएगा अब ये ब्लू वाला जो ब्लड है वो वेन के माध्यम से फिर बॉडी में हार्ट की ओर चला जाएगा किडनी का कोई रोल ही नहीं है ठीक है किडनी आपने बाईपास कर दी ठीक एक चीज नहीं हो सकता वो चीज है रीएब्सन जैसे हमने किडनी में बार बार हर पार्ट से नेफ्रॉन के हर पार्ट से हम अच्छी अच्छी चीजें री कर सकते थे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है एक बार में जो एक्सचेंज हो गया डायलिसिस चैम्बर में वो ठीक है और नहीं हो पाया तो जाने दो इसलिए डायलिसिस भी बहुत दिन तक इंसान को जिंदा नहीं रख सकता क्योंकि एक समय पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है आपके नेफ्रॉन में आप अलग अलग पार्ट से ना चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जैसे कि पानी आप डी से भी एब्जॉर्व कर सकते हैं पी से भी से भीज़ॉर्ब कर सकते हैं लूप ऑफ हेल्ले से पर यहाँ पर डायलिसिस चैम्बर में एक बार जो चीज़ आपने वेस्ट निकाल दिया और एक बार डायलिसिस चैम्बर से जो चीज़ ले लिया पानी वानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप उसके बाद आपके पास कोई चांस ही नहीं है चीज़ों को एक्सचेंज करने का ठीक है इसलिए इंसान को न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और मे भी बहुत दिन तक आप मेरे ख्याल से डायलिसिस में जिंदा रह भी नहीं सकते तो देखिए यहाँ से आपको कंटिन्यूअसली अच्छा अच्छा सोल्यूशन देता रहना है और यहाँ से कंटिन्यूअसली जो है आपको वेस्ट वाला जो डायलिसिस सोल्यूशन है वो बाहर करते जाना है प्रेशर यहाँ पे पंप क्यों लगाया ताकि आप पंप करके पंप करके ब्लड को डायलिसिस चैम्बर में भेज सके यहाँ पर हिपेरिन पंप दिखाई दे रहा है हिपेरिन एक, एक एंटीकोगुलेंट है ये एंटीकोगुलेंट का काम ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जमाव

नाउ जो थ्योरी है वो क्या कहती है वो मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे क्यों आपको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है आर्टिफिशियल किडनी कंटेंस नंबर ऑफ़ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि डायलिसिस सोल्यूशन में सस्पेंड रहती हैं डूबी रहती हैं और उसी से ब्लड गुजरता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स पूरा ब्लड डायलिसिस चैम्बर में इसी ट्यूब में आता है और फिर एक्सचेंज होता है इन ट्यूब से डायलिसिस चैम्बर चैम्बर की ओर डायलिसिस चैम्बर से ट्यूब की ओर एज द ब्लड पासिस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड मूव इन टू द डायलिसिस फ्लूड ठीक है वेस्ट कहां जाएगा डायलिसिस फ्लूड में बाय द डिफ्यूजन अब ब्लड आपका प्यूरिफाइड हो गया और उसे हम पेशेंट की बॉडी में वापस से भेज देते हैं डायलिसिस यूनिट अलाउ द ब्लड टू रन अलॉन्ग वन साइड ऑफ द सेलोफिन मेम्बरेन एंड डायलिसिस फलूइड ऑन द अपोजिट साइड ठीक है तो ये कुल मिला के याद ये है कि ब्लड एक साइड से आता रहेगा आपको फ्रेश सोल्यूशन देते रहना और वेस्ट सोल्यूशन एक साइड से बाहर निकालना नहीं तो फिर डायलिसिंग सोल्यूशन जो होगा वो गंदा होता जाएगा तो अच्छा अच्छा सोल्यूशन देते रहिए और ख़राब खराब सोल्यूशन जो है वो बाहर निकालते रहिए तो आई होप कि आपको डायलिसिस समझ में आ गया हो ये बहुत आसान चीज़ है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको नहीं बना पा रहे हो ना इंसान तो कोई टेंशन नहीं हाथ बना देना चल जाएगा काम ठीक ना नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज़ द एक्सक्रीशन इन द प्लान प्लांट्स डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट बाय द पार्ट ऑफ द स्टेम ये कुछ कुछ चीज़ें एक्सक्रिटरी वेस्ट के फॉर्म में निकालते हैं जैसे रेजिन चेन इन गम्स इसे आप कहते हैं उनका एक्सक्रिटरी वेस्ट ठीक है और कुल मिला के इनके पास एक्चुअली कोई एक्सक्रिटरी सिस्टम नहीं जैसा आपके पास है प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द एक्सक्रीशन एंड दो जैसे एक्स एनिमल फॉलो करते वैसा नहीं ऑक्सीजन इट सेल्फ कैन बी था ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथिस मतलब ये हमें समझ में आया कि इनके में रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथिस होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं जैसे तुम करते हो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सिस वाटर बाय द ट्रांसपीरेशन मतलब गंदा पानी भी ट्रांसपीरेशन से बाहर कर सकते हैं तो इनके में भी रेस्पिशन है waste, gas waste को बाहर करने के लिए ट्रांसपीरेशन है गंदा पानी बाहर करने के लिए उसके बाद आपका जो फॉर द अदर वेस्ट लाइक प्लांट यूज इन फैक्ट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड इवन द लॉस ऑफ सम प्लांट्स एज्स जैसे जो भी गंदी गंदी सेल्स होती हैं वो लीव झड़ती है तो उससे भी वेस्ट बाहर हो जाता है मैनी प्लांट वेस्ट मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीवस एंड देन फॉल ऑफ अब मेरी बात को ध्यान समझना आप किसी बड़े तने वाले पेड़ को काटते हैं तो कई बार उससे ऑरेंज ऑरेंज चीज़ें निकलती ना इसको आप टेनिंद या गम कहते हैं आपका जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है ना इस वैक्यूल का काम ही यही है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्लांट सेल प्रोड्यूस कर रही है वैक्यूल में इकट्ठा करते जाओ इकट्ठा करते जाओ पर फिर भी ये याद रखना कि पौधों का एक्सक्रिटरी वेस्ट तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद है इसलिए जब आप कुल्हाड़ी मारते हो ना पेड़ पे तो एक ऑरेंज सा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली वैक्यूल फटने से बाहर निकल रहा है जब प्रेशर वैक्यूल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वैक्यूल फट जाते हैं और जितना वेस्ट प्रोडक्ट है तुमने देखा होगा जो गोंद होता है जो गम होता है वो सरफेस पे लगा हुआ होता है कि नहीं होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट पर तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद है तो वैक्यूल में भी वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गनल ऑफ द प्लांट सेल तो इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट भरा रहता है ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये फट जाते हैं और फिर बाहर निकल कर प्लांट के तनों पर चिपके हुए रहते हैं और फिर तुम इसे उखाड़ लेते हो और गोंद के लड्डू बना के खा लेते हो उसके बाद नेक्स्ट देखिए बहुत सारे अच्छे प्लांट जो होते हैं जो लीव्स होती हैं जब लीव्स गिरती हैं तो वो भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के बाहर हो जाती हैं अदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज अ रेजिन गम स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इन टू द सॉयल अराउंड देम अब बहुत सारा जो जाइलम होता है उसमें भी पानी के माध्यम में पानी जो जाइलम होता है जैसे बड़े तने ओल्डर तने को काटेंगे तो येलो येलो निकलता है इट इज कॉल्ड एज रेजिन गम्स एंड टेनिन इसका मतलब यह कि जाइलम भी जो जाइलम होता है वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करने का काम करता है जब काटोगे तभी निकलेगा जब प्रेशर बढ़ जाता है जाइलम में एक्सक्रीटरी वेस्ट का तो भी वो डिफ्यूजन uh, माध्यम से प्लांट सरफेस पे उसे चिपका कर बाहर कर देती हैं इनके पास स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं नॉर्मली वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट वेन द लीव फॉल एंड डाउन दे रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट जाइलम को काटोगे तो जाइलम भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर कर सकता है आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा देखिए ये गम का डायग्राम दिख रहा है ना ये जाइलम जो होता है इसमें पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट होता जाता है पानी ट्रांसपोर्ट करता है ये पानी ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट करता है ओल्डर जाइलम हो जाता है जो जो आपने देखा होगा जो अंदर की लकड़ी हो जाती है उसमें ये गम कलेक्ट होता जाता है कलेक्ट होता जाता है कलेक्ट होता जाता है जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फट जाते हैं और गम्स के माध्यम से ऐसे गोंद के माध्यम से बाहर हो जाते हैं ट्रांसपीरेशन ये भी एक प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ही है इन द प्लांट्स ऐसे ही रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट्स में तो अलग अलग मेथड्स हैं एक्सक्रीशन होने के प्लांट्स में आपकी एन में सिर्फ इतना सही दिया है इसलिए हमने सिर्फ इतना सही पढ़ा दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन सो बाय दिस लेक्चर वी ऑलरेडी एंडेड द लाइफ प्रोसेस वी स्टडीड ऑल द थिंग्स इन द लाइफ प्रोसेस इन द डिटेल कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ये चैप्टर आज के दिन से एंड हो गया है आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा एक्टिविटीज़ का मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी इस चैप्टर को बार बार पढ़िए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन आंसर भी इनके मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं वो भी बताऊँगी उसके आंसर्स भी बताऊँगी तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तब तक इन वीडियोस को पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करिए मेहनत से अपना जी मत चुराइए और मेहनत से कभी हारिए मत ठीक है तब तक हम आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए और आप इसको ध्यान से याद करते रहिए थैंक यू सो मच